भी वो बात शासन देती है कि मेरी शरण में आओ, मेरा घर ग्रहण करो। मेरी जो अध्यादेश आप लोग लेकर आएंगे उसको लागू करने के लिए क्या किया जाएगा? ऐसा है कि पहले एक तो समझ में आना चाहिए कि हम लोग चाहते क्या हैं। आप लोगों ने अभी तक सुना होगा कि हमारे जो विचार हैं, जो संसद के द्वारा व्यक्त किए जा रहे हैं, वो लोक हित में हैं और किसी एक विषय को लेकर नहीं है, सभी विषयों को लेकर है। हमने अभी आपसे बात की, मठ मंदिरों के बारे में बात की, नैतिकता के बारे में बात की, भ्रष्टाचार के बारे में बात की, तो ये आवश्यक है कि नहीं है ये बताइए। आपके जितने भी विषय हैं उन सब में प्रस्ताव आएंगे और उनका कारण और तर्कसंगत कारण बताया जाएगा कि ये आवश्यक है। अयोध्या का निर्णय आ ही नहीं सकता, इनकी ताकत हो तो ईंट बना के एक ईंट लगा के बताए ये जो कैसी आएगा, ये वहाँ जो इकट्ठे हुए हैं इनकी ताकत है तो एक ईंट भी रख के बता दें तो हमने दे दिया उसको। आप लोग जो पत्रकार लोग हैं, ये चौथा हमारे देश की ताकत है, अगर आप हमारी बात फैलाएंगे तो निश्चित रूप से हो जाए कि वहाँ केवल नाटक होगा, कोई भी व्यक्ति वहाँ पर एक भी ईंट रख नहीं सकता, समझे नहीं, और वहाँ कोई झगड़ा है नहीं, हिंदू मुस्लिम राइट नहीं है, वहाँ कोई प्रश्न ही नहीं है वहाँ इकट्ठा होकर उपद्रव करने का। कहते हैं कि अगर वो बनाएंगे क्या बनाएंगे, पहले ये तो बताइए, भगवान का मंदिर बनाएंगे या पुतला बनाएंगे? पुतला बनाने से आप संतुष्ट होंगे? आप जाके प्रणाम करेंगे वहाँ? आपको भरोसा नहीं है कि वो बना पाएंगे? नहीं, वो बनाएंगे ही नहीं। जी पहले बीजेपी थी, फिर बीएचपी हुई, फिर शिवसेना भी हो गई है, क्या कहना है? शिवसेना ये कह रही है कि तारीख बताओ, वो तो उनके लिए घाता क्या है?